हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज शिवम। शिवम इलेक्ट्रिकल एक्सपेरिमेंट यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक स्मार्टफोन कूलर बना के दिखाऊंगा। जैसे कि दोस्तों आप ये देख सकते हैं, ये स्मार्टफोन कूलर है। देखिए दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा अच्छा बैकअप भी देता है दोस्तों, और ये बहुत ज़्यादा अच्छा कूल भी करता है। और दोस्तों, आपके फ़ोन, जैसे आप पबजी खेलते हैं या फ्री फायर खेलते हैं दोस्तों, तो गेमिंग के लिए दोस्तों ये ज़्यादा बेस्ट रहेगा। और दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा हमने चीप रेट में बनाया दोस्तों, ये मात्र हमने 30 रुपये में बनाया है। और दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा अच्छा भी बैकअप देता है, बैटरी बैकअप दोस्तों इसका बहुत ज़्यादा अच्छा। दोस्तों देखते हैं कैसे बनाया गया ये प्रोजेक्ट। तो दोस्तों, स्मार्टफोन कूलर बनाने के लिए हमने दो ये टेप लिया है, जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों। इन दोनों टेप को हमने जॉइंट करके हमने एक ये शेप बनाया है, जैसे कि आप देख सकते हैं। अब दोस्तों क्या करना है, जो हमारे पास एक ये पीवीसी पाइप हमने कट किया है दोस्तों, इसी की साइज़ का। दोस्तों जो हमारे पास ये मोटर है, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये हमारे पास डीसी मोटर है। तो दोस्तों, हमें इस डीसी मोटर को इसके सेंटर में हमें लगाना है। तो दोस्तों, सेंटर में लगाने के लिए हमने ये पीवीसी पाइप यूज में लिया है। और दोस्तों, इसके अंदर हम पीवीसी पाइप के अंदर हम मोटर फिक्स करेंगे। तो चलो दोस्तों, मोटर पहले इसके अंदर फिक्स कर लेते हैं, फिर हम इसके अंदर ऐसे लगाएंगे। चलो दोस्तों, हम इस मोटर को पाइप के अंदर फिक्स कर लेते हैं। तो जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं, इसे हमने अच्छे से मोटर को फिक्स कर लिया है। जैसे कि देख सकते हैं दोस्तों, ये हिल भी नहीं रहा। अब दोस्तों क्या करना है, हमें कोई सा भी एक साइड ले लेना है। तो दोस्तों, मैं ये वाला साइड लूँगा। तो फिर हमें क्या करना है दोस्तों, इसे एकदम बीचों बीच सेंटर में एकदम अच्छे से लगा लेना है, फिक्स कर लेना है दोस्तों। इसे फिक्स करते समय एक बात ध्यान देना है दोस्तों, जो हमारे पास ये पंखुड़ी है, पंखुड़ी दोस्तों हमारे ज़्यादा थोड़ा अंदर होना चाहिए। जैसे दोस्तों आप देख सकते हो, वरना अगर दोस्तों थोड़ा बाहर रहेगा तो ये हमारे फ़ोन पे स्क्रैच भी पड़ सकता है। इसलिए दोस्तों थोड़ा हमें अंदर ही कर रखना है, इसे इतना अंदर रखना है, जैसे दोस्तों आप देख सकते हैं। तो चलो दोस्तों, हम मोटर इसी हिसाब से फिक्स कर लेते हैं। जी दोस्तों, आप देख सकते हैं हमारा अच्छे से ये फिक्स हो चुका है। अब दोस्तों क्या करना है, जो हमारा पंखुड़ी दोस्तों, इसे आप पंखुड़ी लगा देना है यहाँ पर। चलो दोस्तों, पंखुड़ी लगा लेते हैं। तो जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं, हमारा पंखुड़ी लग चुका है अच्छे से। दोस्तों इसे लूज़ करके बिल्कुल नहीं रखना है, और पंखुड़ी को एकदम अच्छे से फिक्स कर लेना है। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं, हमारा पंखुड़ी अच्छे से लगा है। जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों, हमारा पंखुड़ी अच्छे से लग चुका है दोस्तों। अब हमें स्विच लगाना है और बैटरी फिक्स करना है दोस्तों। एक चीज़ के लिए माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, जो हमारे पास ये छोटी वाली बैटरी है दोस्तों, ये अच्छे से फिक्स हो जा रहा था, मगर दोस्तों ये हमारा बैटरी ख़राब हो चुका है दोस्तों। ये एकदम ख़राब हो चुका है दोस्तों, इसे ठीक करने में बहुत टाइम लगेगा। इसलिए दोस्तों हमने अभी फ़िलहाल के लिए हमने ये वाला बड़ा वाला बैटरी लिया इंटेक्स का। दोस्तों हम बड़े वाले बैटरी को ऐसे फिक्स कर लेंगे, जैसे आप देखते हैं, इसे अच्छे से फिक्स कर लेते हैं दोस्तों। लगभग हमारा ये स्मार्टफोन कूलर तैयार हो चुका है। अब दोस्तों वायरिंग करना है, और दोस्तों इसके स्टैंड बनाना है फ़ोन के। जिस फ़ोन से मैं बना रहा हूँ दोस्तों, इसका मैंने पहले से स्टैंड बना रखा है, क्योंकि दोस्तों मेरे पास दो फ़ोन नहीं है, एक ही फ़ोन है। इसलिए दोस्तों मैंने इसका पहले से स्टैंड बना रखा है। पहले इसका वायरिंग कनेक्शन कर लेते हैं, फिर आपको दोस्तों स्टैंड दिखाता हूँ। तो जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं, ये हमारा अच्छे से कम्प्लीट हो चुका है वायरिंग। अब चला के दिखाते हैं दोस्तों। तो जैसे दोस्तों आप देख सकते हैं, ये अच्छे से हमारा एयर दे रहा है दोस्तों, और ये बहुत अच्छे से चल रहा है। अब दोस्तों इसका मैं स्टैंड लगा के आपको दिखा देता हूँ। तो जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं, ये मेरे फ़ोन के साइज़ का स्टैंड है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये पूरा बन के तैयार हो चुका है, और आपको चला के दिखा देता हूँ। तो जैसे दोस्तों आप देख सकते हैं, कितना अच्छे से खड़ा भी होता है और चलता भी है। और दोस्तों ये बहुत ज़्यादा अच्छा भी है, बहुत ज़्यादा अच्छा कूलिंग भी करता है। तो दोस्तों ये स्मार्टफोन कूलर आपको कैसा लगा दोस्तों, आप कमेंट करके ज़रूर बताना। और दोस्तों मेरे चैनल पे आप नए हो दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि दोस्तों जो भी मेरी नई वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। चलो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।